नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड पुलिस में 8,919 आरक्षियों की होगी नियुक्ति। झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4,000 पदों पर और बहाली होगी। इसी दिशा में पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में हो रही रिक्त 4,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के अतिरिक्त आरक्षी के रैंक में 4,919 पद रिक्त हैं। इन रिक्त कुल पदों को 8,919 को शीघ्र भरने की तैयारी झारखंड पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जा रही है। इस दिशा में जल्द ही प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसकी समीक्षा भी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार पदों को जल्द भरने की दिशा में इसलिए कार्रवाई की जा रही है ताकि उग्रवादी संगठित आपराधिक गिरोह साइबर अपराधियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा सके। साथ ही अन्य आपातकालीन सेवाएं, विधि व्यवस्था संधारण, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एवं अन्य सभी तरह के अपराध पर रोकथाम के लिए प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जा सके। पुलिस मुख्यालय ने रिक्त पदों को भरने की दिशा में यह कार्रवाई झारखंड सरकार के निर्देश पर शुरू की है। इससे पहले बुधवार को JSSC की ओर से निकाले गए विज्ञापन में 4,919 आरक्षी पदों पर जल्द बहाली होने की बात कही गई थी। इसके लिए 15 जनवरी से फॉर्म शुरू किए जाएंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में धोनी होंगे शामिल। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में झारखंड के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, तीरंदाज दीपिका, पूर्व सांसद करिया मुंडा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई संतों को आमंत्रित किया गया है। जिन संतों को आमंत्रित किया गया है उनमें सिमडेगा स्थित रामरेखा धाम के अखंड दास, बैद्यनाथ धाम के गुलाब नंद ओझा, ठाकुर अनुकूल चंद आश्रम से मलय सरकार, रिखिया पीठ से स्वामी निरंजनानंद को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा भारत सेवाश्रम आश्रम से स्वामी भूतेश नंद, चिन्मय बिशन, बोकारो से साध्वी सुचेता चैत्यानंद, सरायकेला से मृत्युंजय बाबा, गिरिडीह से साध्वी ज्ञानानंद, संकट मोचन मंदिर रांची से सूर्य नारायण दास, चुटिया राम मंदिर से महंत गोकुल दास, तपोवन मंदिर रांची से ओम प्रकाश शरण को बुलाया गया है। इनके अतिरिक्त संताल परगना के भी कई साधु और धर्म गुरु को आमंत्रित किया गया है। धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण के दायरे से हटाए। मोराबादी मैदान में रविवार को आयोजित उलगुलान आदिवासी डिलिस्ट्रिंग महारैली में राज्य भर से जनजाति समाज के लोग उमड़ पड़े और धर्मांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की मांग की। जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित इस महारैली में कहा गया है कि जिसने जनजाति आदि मत एवं विश्वास का परित्याग कर दिया है और ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसे अनुसूचित जनजाति समाज का सदस्य नहीं समझा जाए। ऐसे लोगों एवं समूह को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ नहीं मिले। महारैली की अध्यक्षता जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संरक्षक और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने की है। उन्होंने कहा है कि पुरातन काल से रूढ़ी और परंपरा का निर्वहन कर रहे जनजाति समाज की उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण व अन्य सुविधा का प्रदान किया था। इस सुविधा का लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं, यह अब बंद होना चाहिए। GRP व RPF के क्षेत्र में 2022 में बढ़ा अपराध का ग्राफ। झारखंड में रेलवे के क्षेत्र में लगातार अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2020 और 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में अपराध तेजी से बढ़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस संबंध में वर्ष 2022 की रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत GRP और RPF दोनों ही क्षेत्रों में अपराध में इजाफा हुआ है। झारखंड में GRP के थानों में वर्ष 2020 में 263, 2021 में 485 और 2022 में 820 केस दर्ज हुए थे, जबकि RPF में वर्ष 2020 में 5094, 2021 में 13223 और 2022 में 46402 केस दर्ज हुए हैं। RPF ने 2022 में 46285 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं 45929 केस में 46172 अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट किया। वहीं 45684 केस में 45928 अपराधियों को दोषी करार भी दिया गया है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोक पाने में हेमंत सरकार विफल। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में सरकार द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। बांग्लादेशी सहित अन्य जगहों में घुसपैठिया तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, सरकार इसे रोक पाने में विफल है। श्री बावरी रविवार को परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सीएम पर भ्रष्टाचार के मामले में संगीन आरोप हैं, जिन्होंने संविधान की रक्षा करने की कसम खाई है, आज वे कानून का पालन नहीं कर रहे। ईडी द्वारा कई बार समन जारी करने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि वह डर गए हैं। सीएम भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है तो उन्हें ईडी कार्यालय जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि झारखंड में बालू कोयला की चोरी की जा रही है, पहाड़ों को ध्वस्त कर पत्थर माफिया नुकसान पहुंचा रहे हैं, पलामू से लेकर कोल्हान तक चोरी हो रही है। बच्चा मृत जन्मा तो सफाई कर्मी को पैसे देकर चले गए दंपति। बरियातू पुलिस ने रविवार की सुबह रिम्स पुरानी बिल्डिंग के पास बने पार्क से एक नवजात का शव बरामद किया है। आरंभिक जांच में जब मृत नवजात के माता पिता के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला, तब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स मोर्चरी में रखवा दिया। इसी बीच पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच शुरू की, तब मृत नवजात के माता पिता के बारे में पुलिस को पता चला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र का रहने वाला एक परिवार महिला को प्रसव पीड़ा होने पर शनिवार की रात लेकर रिम्स पहुंचे थे। प्रसव से पूर्व ही नवजात की मौत रास्ते में हो गई थी, इसी कारण उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद नवजात के माता पिता मृत बच्चे को रिम्स से एक सफाई कर्मी के हाथों में सौंपा और वहां से निकल गए। सचिवालय स्वयंसेवकों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर किया था जानलेवा हमला। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर 21 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें जब रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में हटिया डीएसपी सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले की जाँच कर रहे अनुसंधान अधिकारी चंद्रशेखर यादव की जाँच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने जांच के क्रम में पाया है कि संघ के सदस्यों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर प्रदर्शन किया। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर धक्का मुक्की भी की है। साथ ही जांच रिपोर्ट में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की भी बात का उल्लेख किया गया है। झारखंड सरकार कार्डधारियों को 1 रुपये किलो चना दाल देगी। झारखंड सरकार ने रविवार से कार्डधारियों को 1 रुपये किलो में 1 किलो चना दाल देना शुरू किया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 में अमित कुमार की पीडीएस दुकान पर जिला 20 सूत्री कमेटी के उपाध्यक्ष और झामो जिला अध्यक्ष संजय सिंह व डीएसओ गुलाम समदानी ने योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कार्डधारियों के बीच चावल, गेहूँ, लुंगी व साड़ी का भी वितरण किया। अतिथियों ने लोगों को जागरूक होकर इस योजना से लाभ उठाने की अपील की है। कहा है कि यदि कोई दुकानदार सामान नहीं देता है तो इसकी शिकायत करें। आज से झारखंड सरकार हर माह चावल, गेहूं के साथ 1 रुपये में 1 किलो चना दाल भी देगी। झामुमो जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा है कि चना दाल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गिरिडीह से फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 10 गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्र से 10 साथी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सभी लोगों को खुद को बैंक अधिकारी बता झांसे में लेकर वह विभिन्न कंपनियों से साठ गांठ कर लोगों का डाटा लेकर ठगी करते थे। सभी एक गिरोह भी चलाते थे। इसकी जानकारी एसपी दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को पत्रकारों को दी है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के विष्णुपुर का दशरथ मंडल शामिल है। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की उठी मांग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड ने डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग की है, वरना आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करने की मांग की है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर डॉक्टरों के साथ मारपीट और रंगदारी मामले की जानकारी दी है। वहीं पत्र में धनबाद के ताजा मामला का भी उल्लेख किया गया। कहा गया है कि धनबाद के सौरमंगल नर्सिंग होम की संचालक डॉक्टर सौरमंगल प्रसाद से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी अपराधियों ने मांगी है। रंगदारी की राशि नहीं देने पर महिला डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी है। मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि अपराधियों के भय से कई डॉक्टर धनबाद छोड़ने का भी मन बना चुके हैं। सीएम हेमंत ने राज्यवासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। पूरे झारखंड में क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस को लेकर सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। राज्य भर के चर्च क्रिसमस के लिए सज धज कर तैयार हैं। रविवार की रात चरनी में प्रभु यीशु बालक के रूप में जन्म लिए। इस विशेष मौके को लेकर चर्च के अंदर और बाहर विशेष सज्जा भी की गई है।
कई गिरजाघरों के बाहर में भी भीड़ के मद्देनजर कुर्सी पंडाल और एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था भी की गई है। राजधानी के कई प्रमुख गिरजाघरों ने चर्च सर्विस की समय सारणी जारी कर दी है। इधर प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन भी क्रिसमस को लेकर काफी उत्साहित है। सीएम हेमंत सोरेन क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए रांची के आर्च बिशप हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आर्च बिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात की और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है। धान खरीदने के लिए हेमंत सरकार 1000 करोड़ का लेगी कर्ज। सरकार खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के धान खरीद को लेकर बैंक से 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अंतिम चरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यतीन्द्र प्रसाद ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर बैंकों को लोन लेने के लिए आमंत्रण किया है। निविदा खोलने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद सरकार संबंधित बैंक से कर्ज लेकर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगी। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के स्लीपर सेल की सरगना बीजेपी। रांची में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने रविवार को विपक्षी गठबंधन और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वे भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के स्लीपर सेल की सरगना है और उनकी राज्य सरकारें स्लीपर सेल है। राज्य सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। बंगाल में बुआ भतीजा, बिहार में नीतीश लालू, तमिलनाडु में स्टालिन और उनके दामाद, केरल में वामपंथी सभी लूट में शामिल हैं। लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र मामला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रयोगशाला सहायकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित 371 अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर 29 दिसंबर को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हेमंत सोरेन इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप सकते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जीव विज्ञान तथा रसायन शास्त्र के लिए प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए 26 दिसंबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आमंत्रण किया है। हाइपरटेंशन क्या है, जाने डॉक्टर की सलाह। 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें हाइपरटेंशन की बीमारी है या नहीं। हाइपरटेंशन से हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी जैसी बीमारी होती है, जो मौत का सबसे बड़ा कारण है। इसकी कुछ दवाइयां हैं जिसे ठीक किया जा सकता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर मरीज अपना उपचार करा सकते हैं। इसे लेकर सजग रहने की जरूरत है, नियमित जाँच कराने की आवश्यकता है। ये बातें कोलकाता के डॉक्टर संदीप घोष ने जयपुर में आयोजित हृदय समागम के समापन समारोह में कही है। डॉक्टर ने कहा है कि 18 वर्ष के बाद ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर धनंजय ने बताया है कि पूरे विश्व में कार्डियक इंटरवेंशन काफी आगे निकल चुका है, जो बिना चीड़ फाड़ के हो सकती है। झारखंड में 26 शहर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की पहल के बाद राज्य में 26 शहर एक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक शिक्षक नियुक्ति का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक परीक्षा लेने की घोषणा भी कर दी है। सभी पदों पर एक साथ नियुक्ति हुई तो राज्य को 26,000 शिक्षक एक साथ मिल जाएंगे। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के सहायक आचार्यों की नियुक्ति में 2016 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को पहली बार मौका मिला है, जबकि 2013 टेट के बैच बचे हुए अभ्यर्थियों भी इसके लिए आवेदन किए हैं। ऐसे में करीब 1,00,000 अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिला है, जो पिछले 7 साल से नहीं मिला था। इधर हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी, लेकिन राज्य के प्लस टू स्कूलों में 3120 स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। JSSC की एक और प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही JSSC ने की, लेकिन उसका खमियाजाना अब अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। JSSC ने 27 से 29 नवंबर 2023 तक झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा ली थी। हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने 3 दिन परीक्षा दी। दरअसल कई अभ्यर्थियों ने एक पद के लिए कई बार आवेदन कर दिया था। इधर JSSC की लापरवाही से ऐसे अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड कई बार जारी हो गया था। अभ्यर्थियों को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने एडमिट कार्ड में लिखी तारीख पर एग्जाम दे दिया। बाद में JSSC को इसकी जानकारी मिली तो उसने 310 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया है। धन्यवाद।